बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलस। कोई भी चेंज हो, जब हम किसी चेंज के लिए अचानक से और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते से होके जाता है, पाथवे जो है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्स सेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स सेक्शन में इन्वॉल्व होता है। अभी पूरी डायग्राम बनाई मैंने रिफ्लेक्स सेक्शन की। अब ये देखें, ये कोई भी आपके पास रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर का मतलब है कोई भी आपके सेंस ऑर्गन्स है, और ये कोई भी स्टिमुलस है, ये जो है हीट है, स्टिमुलस है। अब अगर ये हीट जो है ये किसी फिंगर पे वो जल रही है ना, तो ये उसके लिए स्टिमुलस है। तो यहाँ पे इस रिसेप्टर में क्या होगा कि न्यूरॉन की एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी। अब इस रिसेप्टर के अंदर ये न्यूरॉन की एंडिंग्स है, कौन से न्यूरॉन की एंडिंग्स है? सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग्स। ये जो है ये पूरा सेंसरी न्यूरॉन है, ये उसका गैंग्लियन है, रिस्पॉन्स है, और ये उसके ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है आपकी स्किन में, आपके फिंगर में फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हीट फील हुई है इस आपके फिंगर को, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन की क्या थी? एंडिंग्स थी जो रिसेप्टर के अंदर प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे ये मैसेज लेके जाएगा कौन सा न्यूरॉन? लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। और मैंने आपको बताया था कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, लेके जा रहा है ये सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इंफॉर्मेशन या मैसेज या नर्व इंपल्स को लेके जा रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्व सिस्टम में आपके इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, और इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज न्यूरॉन लेके आया था, ठीक है। तो ये सिग्नल की इंटीग्रेशन करता है। फिर यहाँ से क्या होता है आपके पास? ये मोटर न्यूरॉन है, और मोटर न्यूरॉन जो है जो मैसेज इसने रीड किया था इंटर न्यूरॉन, और फिर वो आगे से नर्व इंपल्स को जो है वो मोटर न्यूरॉन में भेज देगा, और मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज या वो नर्व इंपल्स आपके इफेक्टर्स की तरफ लेके आएगा। इफेक्टर्स क्या होंगे? मसल्स या कोई भी ग्लैंड्स होंगे, ताकि वो रिस्पॉन्स करें। फॉर एग्जाम्पल इस केस में रिसेप्टर जो था आपके सेंस इसको हीट फील हुई है, ये बर्न हुआ है फिर आपकी, तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेके गया है इंटर न्यूरॉन के पास आप स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ से उसने मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजा है कि आपने क्या करना है? हाथ को रिट्रैक्ट करना है, हाथ को पीछे करना है। तो ये एक सडन आपने रिस्पॉन्स शो किया है, सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स शो किया किसी स्टिमुलस के लिए, आपने हाथ अपना पीछे कर दिया कि वो जले नहीं, ठीक है। याद रखना है कि रूट्स जो है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो वेंट्रल रूट है यहाँ पे क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन वेंट्रल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से आगे मैसेज को लेके जाते हैं। आउटर पोर्शन है यहाँ व्हाइट मैटर, वहां पे प्रेजेंट होगा, और ये जो इनर बटरफ्लाई शेप पोर्शन है यहाँ पे ग्रे मैटर, ग्रे मैटर जो है उसके अंदर सेल मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मेनिंजीज, इन तीन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज बोलते हैं, इनसे प्रोटेक्टेड है ये मेनिंजीज, इनको हम बोलते हैं मेनिंजीज। क्या होती है? ये थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिसने आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे जिसने स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखा हुआ है, इसमें जो सबसे फिर उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर या प्रिया मैटर है। अब एरेक्नॉइड और प्रिया मैटर के दरमियान में जो फ्लूइड है सम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं करके रखा हुआ, तो इसके साथ आपका स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मेनिंजीज, ये कहां पे व्हाइट मैटर होता है और ग्रे मैटर, ये सब कुछ क्या था? रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में।